हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि क्लासेस। तो आज हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की डिफिनेशन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इवोल्यूशन क्या है? जैसे कि जब भी एक नया जनरेशन आता है, जब एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, जब भी एक नया जनरेशन आता है तो उसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं और ये वेरिएशन बाद में बढ़ते जाते हैं और फिर मिलियंस ऑफ ईयर के बाद हम अगर न्यू जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन से कंपेयर करेंगे तो ये वेरिएशन इतना ज्यादा बढ़ गया रहता है, उसी को बोलते हैं हम कि वो इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज द सीक्वेंस ऑफ द ग्रेजुअल इरिवर्सिबल चेंजेस व्हिच टुक प्लेस इन द प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ओवर द मिलियंस ऑफ द ईयर्स टू फॉर्म अ न्यू प्रेजेंट डे स्पीसीज। वेरिएशन दैट रिजल्ट in the form of the new species occurred basically due to the error in the DNA copying as well as due to the sexual reproduction. Evolution क्या है? Evolution एक irreversible change है। ये change फिर से मान लो एक new organism बन गया तो फिर वो वापस अपना पुराना वाला नहीं बन सकता है। तो okay, ये एक irreversible change है। ये changes की variation होता कैसे है? तो DNA copying में error के वजह से होता है। इस error के वजह से variation होता है और ये variation जब बढ़ता जाता है, next generation में बढ़ता जाता है, तो an illustration of the evolution. To understand how the evolution takes place, let us consider the imaginary example. अब हम evolution को एकदम डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए, अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ इमेजिन कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स को। तो लेट अस कंसीडर, पहले इमेजिन करना है हम लोग को, कंसीडर करना है कि बीटल्स का ग्रुप है। बीटल एक कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है। तो रेड कलर का बीटल का ग्रुप है, 12 उसमें बीटल है, ठीक है। दे लिव इन सम बुशेस विथ ग्रीन लीव्स, वो ग्रीन पत्ते पे रहती हैं। देयर पॉपुलेशन विल ग्रो बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देयर फोर कैन जनरेट वेरिएशंस। उनका पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगा आगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वजह से उनका पॉपुलेशन बढ़ता है और उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में मोर वेरिएशन होता है, तो उसमें कुछ वेरिएशंस आए। तो लेट अस इमेजिन ऑल्सो दैट द क्रो ईट दैट बीटल्स, हमें ये भी इमेजिन करना है कि कौवा उस बीटल को खा रहा है। The more beetle the crow eat, the fewer beetle are available to reproduce. जितना ज्यादा वो crow beetle को खाएगा उतना ही कम beetle बचेंगे reproduce करने के लिए। Okay, हमें इतना imagine करना है। अब 3 situation हम consider कर सकते हैं। पहला situation है appearance of favorable variation, दूसरा situation है appearance of unfavorable variation एंड तीसरा situation है appearance of a plant disease. 3 situation को हम consider करके हम आगे एग्जाम्पल में हम इवोल्यूशन को अच्छे से समझेंगे। पहला कंडीशन, अपीयरेंस ऑफ फेवरेबल वेरिएशन। ये 12 बीटल्स का ग्रुप है। इस 12 बीटल के ग्रुप में आप देख रहे हैं एक ग्रीन बीटल आ गया है, ओके, और 11 रेड बीटल है। तो ये ग्रीन बीटल कैसे हुआ? वेरिएशन के वजह से हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में वेरिएशन हुआ है, डीएनए कॉपिंग में एरर आया है, उस वजह से रेड बीटल के पॉपुलेशन में एक ग्रीन बीटल आ गया है। रेड बीटल्स, ये बीटल्स कहाँ रहते हैं? ग्रीन लीव्स पे रहते हैं। ग्रीन लीव्स पे रेड कलर के बीटल आसानी से क्रो को दिख जाएंगे और क्रो उस बीटल को खा जाएगा। लेकिन ये जो ग्रीन बीटल है, ग्रीन बीटल ग्रीन बैकग्राउंड में आसानी से क्रो को दिखेगा नहीं, इसलिए क्रो ग्रीन वाले बीटल को नहीं खा पाएगा। क्रो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा रेड बीटल को खा रहा है और ये ग्रीन वाले बीटल क्या कर रहे हैं? आपस में रिप्रोड्यूस करके ग्रीन कलर के और कुछ और बीटल बना रहे हैं। आप देख रहे हैं धीरे धीरे ग्रीन कलर का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है और रेड कलर का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। फिर ये क्रो और रेड बीटल को खाएंगे और ग्रीन बीटल को ये खा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर के बैकग्राउंड पे ग्रीन बीटल उनको दिख नहीं रही है। धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा जब रेड बीटल का पॉपुलेशन एकदम खत्म हो जाएगा और ग्रीन बीटल बच जाएंगे, ग्रीन कलर के बैकग्राउंड पे क्रो को दिखेंगे नहीं ये और क्रो इनको खा नहीं पा रहा। तो ये क्या हुआ? ग्रीन कलर के बीटल्स को सर्वाइवल एडवांटेजेस मिला है, नेचर ने इसे सेलेक्ट किया है, नेचर से सर्वाइवल एडवांटेजेस मिला है। ये है नेचुरल सेलेक्शन। ग्रीन कलर के बीटल्स का पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहे हैं और आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और ग्रीन कलर के बीटल्स बनाते जा रहे हैं। ओके, तो हम देखेंगे इन फर्स्ट सिचुएशन अ कलर वेरिएशन अराइजेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन,
so that there is a one beetle that is green in color of the instead of the red. The number of the green beetles increase after reproduction. Crow cannot see the green colored beetles on the green leaves of the bushes and therefore cannot eat them. The progeny of the green beetles is not eaten, while the progeny of the red beetle continues to be eaten. As a result, the population of the green beetles increased than the red ones in the beetle population. The origin of the green beetles happened by the chance it gave a survival benefit to the beetle. Finally, the green beetles could survive and multiplied in the surrounding. रेड कलर के पॉपुलेशन में रेड कलर के बीटल्स सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस कर रहे थे तो उनमें कुछ वेरिएशंस आए, उस वेरिएशन की वजह से एक ग्रीन कलर का बीटल आ गया। अब उस ग्रीन बीटल को सर्वाइवल एडवांटेजेस मिल गया, वो प्रोड्यूस करने लगा और अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज कर गया। लेकिन रेड कलर के बीटल को क्रो आसानी से फाइंड कर ले रहा था, क्रो आसानी से खा ले रहा था और ग्रीन कलर के बीटल्स को क्रो नहीं देख पाया, इसलिए क्रो खा नहीं पाया। इस वजह से रेड कलर के बीटल्स कम हो गए, खत्म हो गया और ग्रीन कलर का एक बीटल आ गया। अब बताइए, जब ये वेरिएशन होता ही नहीं तो रेड कलर के बीटल्स ग्रीन कलर के बीटल बनाते ही नहीं, क्रो सारे बीटल्स को खा जाता, बीटल्स का स्पीसीज ही खत्म हो जाता। तो ये वेरिएशन देखिए, वेरिएशन के वजह से उन्हें ग्रीन कलर के बीटल एक न्यू बीटल बने और वो सर्वाइव किए, उन्हें सर्वाइवल एडवांटेजेस मिला। अब हम सेकेंड सिचुएशन में देखेंगे, 12 बीटल्स का ग्रुप है रेड कलर का, इसमें फिर एक कलर वेरिएशन आया और एक बीटल ब्लू कलर का आ गया। फिर ये बीटल आपस में रिप्रोड्यूस करेगा, कुछ और ब्लू बीटल्स बनाएंगे। पहली सिचुएशन में रेड कलर के बीटल्स का पॉपुलेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ब्लू कलर के बीटल्स से। फिर एक एक्सीडेंट हुआ, मान लो एलिफेंट का फुट इन बीटल्स के ऊपर आ गया। इस एक्सीडेंट में मोस्ट ऑफ द रेड बीटल्स की डेथ हो गई, कुछ ब्लू बीटल्स बचे, थोड़े बहुत ब्लू बीटल्स बचे। तो ये ब्लू बीटल्स आपस में रिप्रोड्यूस किए और फिर कुछ और ब्लू बीटल्स बना लिए। तो ये वेरिएशन किस वजह से हुआ? एक्सीडेंटल वेरिएशन हुआ है, क्योंकि एलिफेंट का फूट आ गया है बीटल्स के ऊपर और रेड कलर के मोस्ट ऑफ द रेड बीटल्स उसके फूट के नीचे आ गया और डेथ हो गई है। लक बाय चांस ब्लू कलर के बीटल्स बच गए हैं और वो फिर आपस में रिप्रोड्यूस करके कुछ और नए ब्लू बीटल्स बना रहे हैं। अब क्या हुआ, ब्लू कलर के बीटल्स का पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया। इन द सेकेंड सिचुएशन अगेन अ कलर वेरिएशन अराइजेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, बट नाउ इट रिजल्ट्स इन अ बीटल दैट इज अ ब्लू इन कलर इंस्टेड ऑफ द रेड। द नंबर ऑफ द ब्लू बीटल्स इंक्रीज आफ्टर द रिप्रोडक्शन। Crow see the blue colored beetles in green leaves of the bushes as well as they can see the red beetles, therefore they can eat them. Second situation में क्या हो रहा है, color variation इसमें भी हो रहा है, red color के population में एक blue color का beetle आ जा रहा है, फिर वो blue beetles actually reproduce करके कुछ और blue beetles बना रहा है। Crow दोनों color के beetle को देख रहा है, red color के beetle को भी वो green color के background में देख लेगा, खा लेगा, और ब्लू कलर के बीटल्स भी ग्रीन कलर के बैकग्राउंड पे अच्छे से दिखेंगे क्रो को, क्रो दोनों को खा ले रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, एक एक्सीडेंट के कारण क्या कुछ बीटल्स एक एक्सीडेंट के कारण एलिफेंट फूट के नीचे कुछ बस आ जा रहा है, उसमें रेड कलर के बीटल्स की डेथ हो जा रही है। लक बाय चांस ब्लू कलर के बीटल्स बच जा रहा है और वो फिर आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे और नए ब्लू कलर के बीटल्स को बना लेंगे। इनिशियली द नंबर ऑफ द रेड बीटल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ द ब्लू बीटल्स, but at this point an elephant comes by and stands on the bushes where the beetles live. This kills most of the beetles by chance. The few beetles that has survived are mostly blue. The beetles population slowly expand again, but now the beetles in the population are mostly blue. The survival of the blue beetles was because of the accident, and the accident was the cause of the natural selection. थर्ड सिचुएशन के बारे में हम लोग को पढ़ना था, प्लांट डिसीज। इस सिचुएशन में हम देखेंगे रेड कलर के बीटल्स का पॉपुलेशन है, ये रेड कलर के बीटल्स ग्रीन कलर के लीफ पे बैठते हैं और ग्रीन कलर के पत्ते को खाते हैं। ये क्या हुए, धीरे धीरे खराब होने लगे, डिसीज हो गया। तो फिर क्या हुआ, इस रेड कलर के बीटल्स को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं,
पत्तों की कमी आ गई, वो पत्ते खा नहीं पाएंगे, उनको क्या होगा, सफिशियंट फूड मिल नहीं रहा है, तो उनका जो वेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, लॉस ऑफ वेट हो जाएगा, उनका वेट डाउन होते जाएगा, उनकी नॉर्मल बॉडी पे चेंजेस आ जाएंगे, उनके जीन्स में कोई वेरिएशन नहीं देख रहे हम लोग, उनके नॉर्मली बॉडी पे चेंजेस आ जाएंगे, वो पतले हो जाएंगे बीटल्स, कुछ ईयर बाद फिर वो प्लांट का डिसीज हट जाएगा अचानक से, और फिर वो पत्ते खाने लगेंगे, और फिर क्या होगा, वो वेट वेट गेन कर लेंगे, बीटल्स क्या करेंगे, वेट गेन कर लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि प्लांट का डिसीज हुआ, बीटल्स को फूड सफिशियंट फूड नहीं मिल रहा है, बीटल्स मरे नहीं है, बीटल्स का वेट लूज हुआ है, उनके नॉर्मल बॉडी पे चेंजेस आ रहे हैं, उनके जीन्स में कोई चेंजेस नहीं आए, उनके जीन्स पे कोई वेरिएशंस नहीं देखेंगे हम लोग। इस तरह के कैरेक्टर हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होंगे, क्योंकि ये नॉर्मल बॉडी पे चेंजेस हैं, यहाँ पे जीन्स पे कोई चेंजेस नहीं आ रही हैं, तो जो नॉर्मल बॉडी पे चेंजेस हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होंगे। बीटल्स का वेट लॉस हुआ इनसफिशियंट फूड की वजह से, जब वो फूड सफिशियंट मिलने लगा उनको, फिर वो वेट गेन करेंगे। तो नाउ कंसिडर अ थर्ड सिचुएशन इन दिस, एज द बीटल पॉपुलेशन बिगिंस टू एक्सपेंड, द बुशेस स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम अ प्लांट डिसीज, द अमाउंट ऑफ द लीफ मटेरियल्स फॉर द बीटल्स इज रिड्यूस्ड, देयरफॉर द बीटल्स आर पुअरली नरिश्ड। The average weight of the adult beetle decreases due to the not availability of the leaves, but there is the no genetic changes occurring. After a few years and the few beetle generation of such scarcity, the plant disease is eliminated. There is a lot of the leaf food and the weight of the beetle also increased. Hence, the changes in the size was a changes in the phenotype and hence was not inheritable. Changes in the size could not produce any variations and the evolution in the species. इस तरह के changes कोई variation नहीं ला रहे हैं, कोई evolution नहीं होगा, okay? सिर्फ food के कमी के वजह से उनका weight loss हुआ है, अगर food sufficient मिल जाएगा तो उनका weight फिर gain हो जाएगा, ठीक है?